हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी डी सी यू टूटर के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में जी हाँ एक ऐसा पाउडर जब आपको गर्मियों के टाइम घमौरियाँ हो जाती हैं लाल हो जाता है स्किन स्किन पे जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं चाहे वो अंडर आर्म में होते हैं जांगों यानी कि थाइज के एरिया में होते हैं जो भी उस वहाँ पे रेडनेस स्वेलिंग इचिंग होती है उसको दूर करने के लिए कैंडिड पाउडर बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है तो आज हम देखेंगे कैंडिड डस्टिंग पाउडर के अंदर मेन कंटेंट क्या मिल

जो कि जितना सीएन के अकॉर्डिंग इसमें मिला होगा बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है पच्चीस डिग्री के ब्लू स्टोर करते हैं और एक बॉटल लगभग एक ग्राम डस्टिंग पाउडर की कीमत नब्बे से सौ के आसपास होती है डियर। बात करेंगे यूजर्स की जी हाँ किस किस चीजों में यूज होता है जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है अंडर आर्म हुआ चाहे थाइज का एरिया हुआ जेनाइटल एरिया हुआ वहां पे जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको दूर करता है ये पाउडर साथ ही साथ जितने भी इंटीमेट आपके बॉडी पार्ट हुए वहां पर फंगल इन्फेक्शन के कारण जो रेडनेस हो जाता है जो इंची इंची हो जाता है जो खुजलाता रहता है उसको भी दूर करता है साथ ही साथ आपका जो एनर थाइज एरिया हुआ वेस्ट लाइन एरिया हुआ अंडर आर्म हुआ फीट का टोज का एरिया हुआ जहां भी इंफेक्शन के कारण जलन खुजली और रेडनेस वालो ये हुआ है उसको दूर करेगा साथ ही साथ स्किन पे जो इरिटेशन होती है उसको भी ये डस्टिंग पाउडर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने का काम करता है अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है तो जैसा कि आपको पता है क्लॉट्री एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिकेशन होता है जो कि फंगल के कवरिंग फंगल्स के प्रोटेक्टिंग कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है उसको बनने से रोक देता है जिससे क्या होता है फंगाई किल हो जाता है और अल्टीमेटली आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है डियर बात करेंगे इसके डोजेज़ की तो मेनली इसका डोज अपने डॉक्टर के हिसाब से पूछ ही लगाएँ साथ ही साथ जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको अच्छे से साफ कर लें फिर इस पाउडर को अप्लाई करें फिर बात करेंगे इससे जुड़े कुछ प्रिकॉशन की तो जितना भी रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा कभी भी ना लगाएँ बच्चों की पहुंच से दूर करें अफेक्टेड एरिया को अच्छे से साफ करके क्लीन करके ही लगाएं साथ ही साथ इसको यूज करने से पहले इसके लेबल का डायरेक्शन जरूर पढ़ें बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की तो जैसा को पता है ये पाउडर हमारा अच्छा एक इफेक्ट दिखाता है तो कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता सो स्टूडेंट ये था आपका डस्टिंग पाउडर जी हाँ, एक ऐसा डस्टिंग पाउडर जो कि आपके घमौरिया दाद खाद खुजली फंगल इंफेक्शन इचिंग रेडनेस सोलो इन सारी समस्याओं को दूर करने का काम करता है उम्मीद होगी इस डस्टिंग पाउडर की जानकारी आपको समझ में आई होगी अगली मेडिसिन अगली दवाई अगला पाउडर किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ऐसे ही और मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो लिस्ट को भी जरूर विजिट कीजिएगा चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर ऑल द वेरी बेस्ट